कोई भी हमारे एल्डर्स हैं जो बड़े लोग हैं हमारे घर में, उनके लिए रेगुलर रेगुलर जो है कुरकुमिन जो है, एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम, जो भी एल्डर्स हैं बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर में, सबको खानी चाहिए। बिजनेस भी मिलता है, रिकवरी भी होती है, और प्रोडक्ट्स का क्या रिजल्ट है, कैसे प्रोडक्ट्स हमें, क्या उसके रेफरल्स हैं, क्या उसकी इम्यूनिटी है, क्या उसका स्ट्रेंथ है, ये भी हमें सब चीजें इन चीजों से पता लगती हैं, क्योंकि शुरुआत हमेशा घर से होती है। हमारे बहुत सारे मेरे को कभी लीडर्स मिलते हैं, अभी तो चलो इंटरनेशनल टूर नहीं हुआ, अभी काफी टाइम हो गया, जब भी टूर होता था तो मेरे को मिलते थे लीडर, कुछ बॉम्बे साइड के भी, कुछ इधर उधर, बहुत सारी चीजें होती। मेरा एक ही क्वेश्चन होता था कि आप खुद पे प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करते हैं? फिर तभी ये कई बातें सामने भी आती थी कि हाँ प्रोडक्ट तो यूज करते हैं सर, पर कौन कौन सा यूज करें, ये हमेशा ये चलती रहती थी बातें, क्योंकि हर प्रोडक्ट के ऊपर एक ही टाइम में सब प्रोडक्ट को बोलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जिंक के ऊपर बता रहा हूँ, जिंक के अभी मैं और भी बताऊंगा अभी बाद में, कि कुछ ना कुछ अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अपने घर में होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि हमने हीट एंड ट्रायल मेथड लेना है, हमने उसके बारे में पढ़ना है, पीपीटी में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमें डॉक्टर तो नहीं बनना है, पर एटलीस्ट हमें घर का डॉक्टर तो बनना पड़ेगा ना, ये सब चीजों के लिए। अवेयरनेस कहाँ से आएगी, वेलनेस कहाँ से आएगी, वेलनेस और हेल्दी वेल्दी जो है वो हमारा जो लोगो है वो किस लिए है, वो हमारे लिए तो बना हुआ है। पैसा हमारा कहाँ खराब होता है, हॉस्पिटल में खराब होता है, टेस्ट पर खराब होता है, दवाइयों पर खराब होता है, रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हर कोई ये बोलता है बस फर्क है, आराम है मेरे को, पर हम बोलेंगे कि ठीक है ठीक, कुछ भी नहीं ऐसा होता, कुछ भी ठीक नहीं होता। पर हमें क्या करना है, हमें दोस्तों, हमें अपने जो स्वामी के प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें बिजनेस भी मिल रहा है, जिससे हमारी इनकम भी हो रही है, और जिससे हमारा लोगों के अंदर विश्वास भी बढ़ता जा रहा है, और आने वाला कुछ ऐसा समय आ रहा है दोस्तों कि जो भी रहेगा, अगर प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो वो सिर्फ स्वामी के ही प्रोडक्ट रहेंगे, जो एक जरूरत बन जाएगी, एक ग्रोसरी के अंदर लिस्ट बन जाएगी कि इस महीने कुरकुमिन जिंक ऑर्गेनिक पर्बिना ये भी लिखा जाएगा आने वाले टाइम में, और शायद ये बहुत जल्दी होने वाला है। जैसा हमारा ये दौर चल रहा है, जैसे हमारी सिचुएशन चल रही है, ये सारी चीजें भी बहुत जल्दी होने वाली है दोस्तों। आगे बात कर रहे हैं कि जिंक, जिंक का अगले हम शुरू कर रहे हैं कि किसी भी तरह का प्रोस्टोमेल्जिया या यूरिन इनकोटेंसी, जिस लेडीज के अंदर, हमारे घर के अंदर जो भी बड़ी उम्र की बुजुर्ग लेडीज हैं या फीमेल्स हैं, माँ बहनें हैं हमारे घर के अंदर, उनको यूरिन की प्रॉब्लम भी बहुत रहती है। बहुत देर तक यूरिन को हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, यूरिन जो है होल्ड नहीं रहता उनका, और हमारे बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं, पानी पीते हैं बाथरूम चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते, बहुत सारी प्यास भी लगती है। तो दोस्तों जिंक और करेंडियम का कॉम्बिनेशन है इस चीज के लिए, जो प्रोस्टोमेल्जिया को भी ठीक करता है, और यूरिन इनकोटेंसी एक मेडिकल टर्म है कि यूरिन को होल्ड करके रखना। आप करेंडियम और जिंक, ये उसका अलग से बेनिफिट है, जिंक के साथ करेंडियम, एक कैप्सूल करेंडियम सुबह शाम, एक कैप्सूल जिंक का सुबह शाम, कंटिन्यू 3 महीने, सर्दी के दिन जिंक एक और करेंडियम सुबह शाम, गर्मियों में अगर किसी ने यूज करना है तो जिंक एक रहेगा, करेंडियम सुबह शाम रहेगी, ये कंटिन्यू यूज करना है ये 3 महीने तक। अगर ओल्ड एज है तो हम इसके अंदर जिंक जो है सुबह शाम भी करते हैं, पर मिनिमम 10 मिलीग्राम है, मैक्सिमम 50 मिलीग्राम तक भी इसकी डोजेज बताई गई है। जिंक जो है एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम, और करेंडियम सुबह शाम, ये यूरिन इनकोटेंसी प्रोस्टेटमेल्जिया किसी भी तरह की प्रोस्टेट के अंदर जो इनलार्जमेंट आती है उसको रिकवर करता है। और इसके साथ हमेशा की तरह कुरकुमिन, कुरकुमिन जो C3 पावर है वो रेगुलर 1 साल तक BPH और PSA इसको भी खत्म करती है इसके साथ, सुबह शाम रेगुलर 1 साल तक कुरकुमिन कम से कम, जिसमें यूरिन का फ्लो, जिसको BPH बोलते हैं या जिसको PSA बोलते हैं प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, वो भी खत्म करती है। क्योंकि जब भी किसी को प्रोस्टोमेल्जिया होता है या यूरिन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मेल के अंदर प्रोस्टोमेल्जिया आने के बाद किसी भी तरह के आगे
सर्कमस्टांसिस ऐसे बनते हैं जो कि किसी न किसी वायरस के रूप में जन्म लेते हैं। तो इसीलिए कुर्कुमिन जो दिया जाता है, एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम को, प्रोस्टेट की या यूरिन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इससे क्या दोस्तों फायदा होता है, सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जो नंबर ऑफ टाइम यूरिन है, आपने कभी भी मीटिंग में देखा होगा कि बहुत सारे लोग पानी पीते हैं और बाथरूम चले जाते हैं कुछ देर बाद, 2-3 घंटे की मीटिंग होती है उसमें 2-3 बार 4 बार बाथरूम चले जाते हैं, होल्ड नहीं कर पाते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल। जिंक जो है साल में 3 महीने रेगुलर, क्रैंडियम, जिंक और कुर्कुमिन, जिंक जो 3 महीने कंटिन्यू, उसके बाद एक टेबलेट या 3 महीने के बाद 3 महीने का गैप डाल के फिर 3 महीने, क्रैंडियम और कुर्कुमिन, ये दोनों चीजें इसको यूरिन इनकोटेंसी या प्रोस्टोमेलजिया को ठीक करती हैं। अगर 50+ है, शरीर कमजोर है, तो लाइकोपिन बीटा के सबसे ज्यादा रिजल्ट हैं इसके अंदर, किसी भी तरह की स्किन को रिवाइव करने के लिए। ऑर्गन के मसल्स हैं, इंटरनल मसल्स हैं, चाहे हमारी बॉडी के आउटर मसल्स हैं, बीटा कैरेटिन्स जो इस चीज को रिवाइव करते हैं। उसके बाद दोस्तों ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज तकरीबन सब में है, हम बहुत जल्दी जो है ग्लाइका केयर भी देते हैं सबको, कुछ को रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ को कम रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ वैसे ही खा लें हम, जड़ से कभी बोल देते हैं हाँ इससे शुगर ठीक हो जाती है, बिल्कुल ठीक होती है शुगर, ऐसा नहीं है कि शुगर नहीं ठीक होती, पर शुगर एकदम कभी नहीं ठीक होती, उसको शुगर को ठीक करने के लिए उसको पहले बेहतर करना पड़ता। बेहतर का मतलब है, बेहतर के मायने है कि बॉडी के अंदर जनरेशन को पैदा करना, ताकत को पैदा करना, जिससे वो फाइट करती है। जिंक जो मसल्स को रीबिल्ड करता है, जो मसल्स को दोबारा बनाता है, जो मसल्स के अंदर एसिडिक रिएक्शंस को खत्म करता है। डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 का तो बहुत थोड़ा क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, हर कोई इसको नहीं ठीक कर सकता, पर टाइप 2 जो हमारे आम घर में होती है कि हाँ मेरा शुगर लेवल बढ़ गया है थोड़ा सा तो मैं क्या करूं, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं कि जिंक का एक कैप्सूल रेगुलर ग्लाइका केयर खाने से पहले और खाने के बाद इसके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, ग्लाइका केयर खाने से पहले और खाने के बाद, अगर बॉडी ओवरवेट है तो हम इन बिटवीन फूड देते हैं, ग्लाइका केयर खाने के बीच में जिंक के साथ। जिंक का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को एक्टिवेट करता है, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिंक। किसी भी तरह का अगर कोलेस्ट्रॉल रहता है या फॉर्मेशंस रहती हैं, ब्लड प्रेशर भी होता है, तो उसके साथ हम केल को भी ऐड करते हैं इसके लिए। और ऐसा नहीं है कि सामी के अंदर प्रोडक्ट के अंदर फंडामेंट्स नहीं है या ताकत नहीं है या सामी के अंदर पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार हमें डॉक्टर नहीं बनना है, कोई किसी को डॉक्टर बना नहीं सकता, पढ़ने के बाद भी नहीं बना सकता दोस्तों। जो नॉलेज होती है वो अपने लिए होती है, हर चीज की जिसको भी आपने सीखना है, जिसको भी आपने करना है, उसके लिए आपको समय निकालना पड़ता है, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, कभी भी कहीं भी कुछ भी सुनने को मिले जरूर सुनना चाहिए, किसी भी चीज के बारे में अगर पता लगता है तो जरूर सुनना चाहिए। शुगर के अंदर ग्लाइका केयर और जिंक जो है 1 टेबलेट डेली, ग्लाइका केयर इन बिटवीन फूड या बिफोर फूड आफ्टर फूड हम किसी भी कंडीशन में देते हैं, और जो इसके साथ हमारा चलता है टॉक्सी, अगर कोस्टल एरिया है गर्मी वाले दिन है तो टॉक्सी के साथ सो इजी भी हम इसको कॉम्बिनेशन के अंदर देते हैं जिंक को अंदर। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद किसी भी तरह की हम आगे चलते हैं फर्टिलिटी के ऊपर, मेल फर्टिलिटी के ऊपर, हमारे सब बहुत सारे कभी काउंट आते हैं, स्पर्म्स काउंट बन रहे नहीं बन रहे हैं या डिजायर्स कम हो रही है, तो दोस्तों जिंक जो है उसके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा। जिंक के साथ हम इस फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए जैसे हमारा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग टैबलेट आती है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग टैबलेट आती है जिंक के साथ, हमारी एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग टैबलेट आती है जो कि हम मोटिलिटी को भी बढ़ाती है, इसके साथ लाइकोपिन बीटा सुबह शाम एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग
एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, शाहगंधा एक टैबलेट सुबह खाली पेट, शाहगंधा जो लिक्विफिकेशन की मोर्टलिटी को बढ़ाती है, जिंक दिन में एक बार, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सुबह शाम, शाहगंधा सुबह खाली पेट, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सुबह शाम और शाहगंधा खाली पेट, ये छोटा सा कॉम्बिनेशन है। एज अगर कम है, जल्दी मोर्टिलिटी नहीं बनती है, तो उसके साथ हम लाइकोपिन बीटा भी ऐड करते हैं, समझे दोस्तों, लाइकोपिन बीटा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, शाहगंधा खाली पेट देते हैं, इसके साथ मोर्टिलिटी बढ़ती है किसी भी तरह के डिसफंक्शन जो बॉडी में चलते हैं। हम थोड़ी सी दूसरी बात करेंगे, कोई अकॉर्डिंग टू एज डिजायर्स का कम हो जाना, रिएक्शंस का कम हो जाना, या आजकल ये छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, उसके साथ हमारा क्या कॉम्बिनेशन बनता है, सबसे जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि ये काम करेगा या सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। एक शाहगंधा और एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग रेगुलर 3 महीने खिलाओ, अगर ज्यादा वीकनेस रहती है तो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग और शाहगंधा, ये सुबह शाम चलती है, दिन में 2 बार भी देते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे जिंक, फिशर्स या फैचुला या पाइल्स, जिसके हमें मसल्स खराब हो जाते हैं, हम हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे पास कभी ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको किसी भी तरह के फिशर्स या पाइल्स ठीक नहीं होती हैं, तो इसको इसका भी हमारे पास जो है परमानेंट ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल परमानेंट ट्रीटमेंट है, जिसके लिए हम जिंक जो है कैप्सूल 1 डेली, इसके साथ हम कुरकुमिन C3 टैबलेट सुबह शाम, और सो इजी और टॉक्सी फ्लश, सो इजी खाने से पहले, टॉक्सी फ्लश खाने के बाद, क्योंकि जो भी मेटाबॉलिज्म हमारा बनता है वो मेटाबॉलिज्म एसिडिक ना बने, इसलिए हम खाने से पहले सो इजी खिलाते हैं, फिशर्स पाइल्स या फैचुला के ऊपर। और इसके साथ 2 आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हम साथ में देते हैं लोगों को, जिसको हम त्रिफला गुग्गर बोलते हैं और कचनार गुग्गर भी बोलते हैं। ये छोटा सा कॉम्बिनेशन होता है, जैसे जैसे आपके साथ इंट्रेक्शन होगी, हमारे ग्रुप्स भी बने हुए हैं, उसके अंदर हर कोई अपना क्वेश्चन लिख के भेजता है, डॉक्टर विकास मलिक भी हैं, डॉक्टर भारती भी हैं, और मैं भी, हम तीनों जो हैं, जिसके पास भी टाइमिंग होता है उसका उस चीज का आंसर दिया जाता है। शायद आपके ग्रुप में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। हम जो अपना कॉम्बिनेशन देते हैं, हम इसके लिए जिंक जो है फिशर्स पाइल्स या फैचुला, किसी भी तरह का अगर ऐसी चीजें होती हैं, उसके अंदर जिंक, सोइजी, टॉक्सी फ्लश, कुरकुमिन C3 टैबलेट्स, ये चीजें दोस्तों चलती हैं, और इस इन सब चीजों को लेकर ही हमारे जो है वेलनेस भी बढ़ती है, हमारा पैसा भी आता है, हमारा बिजनेस भी ग्रो करता है, हमारे साथ और सारे एग्जीक्यूटिव भी जुड़ते हैं। अभी हम आगे चल के बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस या जिंक, जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं हमारे घर में, मोनोपोज होता है या घुटने आवाज करने लगते हैं या कैल्शियम की कमी हो जाती है। हम किसी को बोलते हैं आप कब तक कैल्शियम खाओगे, कितना कैल्शियम खाओगे, कितनी देर तक आपको कैल्शियम खाना पड़ेगा, तो इसके लिए दोस्तों जिंक के साथ साथ ऑर्गेनिक स्पर्लिना को अगर हम यूज करते हैं तो हमारा जो है किसी भी तरह के ऑस्टियोपोरोसिस होता है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है या कैल्शियम हमारी बॉडी में कम मिलता है, तो उसके लिए बहुत जल्दी रिकवरी होती है जिंक के साथ, जिंक लेने के साथ, जिंक के साथ ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग और कैल्सीडीमेक्स अगर 50+ है तो हम जो है ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग देते हैं फीमेल को, अगर 50 बिलो 50 है तो उसके लिए हम कैल्सीडीमेक्स देते हैं 1 टैबलेट BD सुबह शाम, 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को जिंक के साथ, ये टैबलेट हम देते हैं। इसी तरह दोस्तों जिंक जो है हर चीज की मोर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, हर तरह की ताकत को भी, ताकत भी हमारे बॉडी के अंदर बढ़ती है, हमें जो छोटे छोटे ताकत की चीजें हैं वो खानी पड़ती हैं, इसलिए ये जिंक जो है बहुत तरीके से काम भी करता है। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो भी हम व्हाट्सएप के जरिए आपसे डिस्कशन करेंगे, आपको उस चीज का पूरा रिवर्ट किया जाएगा, पूरा जवाब दिया जाएगा।
उसके बाद बात करते हैं सर, जो आजकल हमारे यहाँ जिंक के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था क्रेंडियम, सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर तो बात नहीं हो सकती है, बहुत लेंथी प्रोडक्ट्स हैं, हर किसी एरिया के अकॉर्डिंग अपने अपने क्वेश्चन आंसर होते हैं, ऐसा नहीं है किसी की किसी भी आंसर का जवाब नहीं दिया जाता, हर चीज का आंसर होता है। तो आजकल के मौसम के हिसाब से जो दोस्तों हमारे यहाँ चीजें चल रही हैं, हमने पैसा भी कमाना है और हमने अपने एफिकेसी को भी बढ़ाना है, और हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो हम प्रोडक्ट्स को जिस ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर जिसमें हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हमने हर एक चीज को अपने साथ लेके चलना है, हमने लोगों को भी बताना है, बताने के लिए हमारे घर से सब कुछ होता है, घर से शुरू होती हैं ऐसी छोटी छोटी बातें, ये जो सारे प्लान चलते हैं, इसीलिए ये छोटा सा भी शुरुआत की है, बाकी जो आपकी ग्रुप की बातें होंगी, जो और सारी बातें होंगी वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अंकित जी, हेलो जी, धवन जी, थैंक यू सो मच, सबको नमस्कार जी। ठीक सर एंड इतना मजा आता है आपको सुन के, ऐसा लगता है कि अभी भी हमें प्रोडक्ट्स की कम जानकारी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन सबको प्रोडक्ट्स की नॉलेज बहुत ज्यादा है, बट क्योंकि आप ये प्रोडक्ट्स को अपने डॉक्टर की प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं, तो जो आपने कॉम्बिनेशंस बताए और अलग तरीके से कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत मजा आया आपको सुन के आज। एंड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं सर चैट के अंदर, तो मैं आप एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। हाँ जी सर, हाँ सर, हम कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं क्या, 5 लोगों के? बिल्कुल तो मैं म्यूट करूंगा, मैं सिर्फ 2 मिनट उनके लिए म्यूट करूंगा, तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। राइट सर, ओके। जो भी एंड सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे सबसे पहले जो कर देगा चैट पे लिख देगा, मैं उसको अनम्यूट करके आपको लाइव डॉक्टर धवन के साथ मैं जोड़ दूंगा। राइट, ठीक है सर। मैं इनको ढूंढ नहीं पा रहा हूं यहाँ पे। थ्रोट इन्फेक्शन के लिए क्वेरी आई है सर, व्हाट टू डू इन थ्रोट इन्फेक्शन? हाँ सर, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए जैसे मैंने बताया था कि आजकल जो है जिंक हमारा किसी भी तरह के थ्रोट इन्फेक्शन जो है, किसी भी तरह के कोकस होते हैं, बैक्टीरिया होता है जिसको जिंक ही ठीक कर पाता है। हमारी थेरेपी के अंदर या एलोपैथी के अंदर बहुत सारे बहुत लंबे ट्रीटमेंट भी दिए गए हैं इसके, ट्यूबरक्लोसिस के, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, बहुत सारे लंबे ट्रीटमेंट भी दिए गए, पर फिर भी वो 100% की ओर नहीं बोलते हैं, 90% तक ही बोलते हैं। इसके लिए हम जिंक और कुरकुमिन, इसके साथ स्वर्ण बसंत मालती रस, जिंक सुबह शाम, कुरकुमिन सुबह शाम, इसके साथ स्वर्ण बसंत मालती रस, ये जो आयुर्वेदिक टेबलेट है ये किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती है, ये हम सुबह शाम रेगुलर 1 महीने के लिए किसी भी तरह का कितना भी पुराना इन्फेक्शन हो बिल्कुल खत्म हो जाता है इससे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बॉडी के अंदर अगर स्वेलिंग हो तो क्या प्रोडक्ट्स देने चाहिए? सर, बॉडी के अंदर अगर स्वेलिंग है, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि एज फैक्टर क्या है उसका। स्वेलिंग जो है वाटर रिटेंशन की होती है, वाटर रिटेंशन मतलब कि शरीर जो है पानी को चूसता है, सबसे पहले तो उसका नमक जो है बैलेंस करना चाहिए हमें बॉडी के अंदर। इसको बैलेंस करने के लिए इसके साथ हम क्या देते हैं, सबसे पहले क्रेंडियम, कुरकुमिन और जिंक के साथ मैग्नीशियम भी। अगर गर्मी वाले एरिया है जैसे कोस्टल एरिया है जहां दिन के अंदर गर्मी हो जाती है तो उसमें हम मैग्नीशियम भी चलाते हैं, नहीं तो फिर जिंक, क्रेंडियम और कुरकुमिन, इसके साथ हम आयुर्वेदिक जो क्लासिकल गुड्स होते हैं जिसको हम पुनर्वास बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन को खत्म करता है, पुनर्वास सब सिरप जो होता है इसका 20 ml लिक्विड और 20 ml पानी दिन में 3 बार पिलाने से बॉडी के अंदर स्वेलिंग जो है खत्म हो जाती है। जैसे जैसे स्वेलिंग उतरती है उसके साथ ही हम इसके साथ लाइकोपिन बीटा
अगर 50 प्लस है तो क्रिल, अगर बिलो 50 है तो ओमेगा बायो प्लस, सुबह शाम ये ऐड करते हैं स्वेलिंग कम होने के साथ साथ। ठीक है सर। सर यहाँ पे तो क्वेश्चंस की बौछार हो गई है, तो मैं थोड़े से कॉमन ढूंढ के आपको देता हूँ। एक मेरे पास आया है क्वेरी, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए? हाँ जी सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, सबसे पहले बैड कोलेस्ट्रॉल जो है कौन ठीक करता है, हम थोड़ा सा क्रिल के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो क्रिल दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करती है। बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा कम क्यों नहीं होता, क्योंकि हम डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ नहीं जाते हैं। मैंने अभी क्या बताया था कि सो इजी खाना से पहले टॉक्सी फ्लश खाने के बाद दिन में एक बार, और जिंक और क्रिल दोनों की एक एक टैबलेट, जिंक क्रिल दोनों की एक एक टैबलेट दिन में एक बार, कुरकुमिन सुबह शाम। कुरकुमिन जो टैबलेट है हमारी, खून को पतला भी करती है और खून को साफ भी करती है। कुरकुमिन C3 पावर जो हमारी मेडिसिन है, ये खून को पतला भी करती है और खून को साफ भी करती है। जो हमारे भाई बहन हैं, माताएं बहनें हैं, जो भी 35 के ऊपर हैं, इनको तो रेगुलर कुरकुमिन की एक टैबलेट हमेशा खाओ आप। किसी भी तरह का बॉडी के अंदर वायरस या एंटीबॉडीज कभी भी कम नहीं होगी। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट ले लें सर। एक और है सर, थायराइड, थायराइड के लिए और अस्थमा के लिए एक क्वेरी आई है सर, थायराइड और अस्थमा। हाँ सर, अस्थमा जैसे मैंने बताया, अस्थमा जो है ट्यूबरक्लोसिस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है, इन्हीं से हमें हमारे अंदर अस्थमेटिक प्रॉब्लम या सांस फूलने की प्रॉब्लम रहती है। जिंक जो है सबसे बेहतरीन है, जिंक, कुरकुमिन और स्वर्ण बसंत मालती रस, ये अस्थमा के लिए हम देते हैं। इसके साथ जो लिक्विड आते हैं, दो तरह के क्लासिकल लिक्विड आते हैं, फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हमें डॉक्टर नहीं बनना, पर एटलीस्ट हमें इतनी नॉलेज लेनी है कि हमें बार बार डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। दो तरह के जो लिक्विड आते हैं अस्थमा के अंदर, जिंक, स्वर्ण बसंत मालती रस, कुरकुमिन C3 टैबलेट, इसके साथ दो तरह के लिक्विड, वसारिस्ट और कनकासव। कनकासव जो है खाली पेट पिलाते हैं, 20 ml प्लस 20 ml पानी दिन में तीन बार, वसारिस्ट खाने के बाद 20 ml प्लस 20 ml पानी, गुनगुने पानी में दिन में तीन बार। विजलिंग होती है, दम फूलता है, सांस फूलता है, वो इससे ठीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है थायराइड। थायराइड दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, हमारी जो ग्रंथियां हैं वो हाइपर, हाइपो या ग्लाइटर, इनके अंदर कन्वर्ट होती हैं। ये सारा कुछ दोस्तों होता है मैग्नीशियम की कमी के कारण। हमारे अंदर कैल्शियम क्यों अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, हमारा जो कैल्शियम, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, कैल्सीटीमैक्स, ये कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट से बने हुए हैं सारे। कैल्सीटीमैक्स सुबह शाम, कुरकुमिन सुबह शाम, मैग्नीशियम, अगर बॉडी ओवरवेट है तो मैग्नीशियम दिन में दो बार, अगर बॉडी अंडरवेट है, ठीक वजन है, अकॉर्डिंग टू हाइट चलता है जैसे वजन, तो मैग्नीशियम 1 tablet डेली, ये हमारे थायराइड के लिए है। जैसे ही कैल्शियम हमारा पूरा होता है 1.5 से 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद मैक्सिमम, 3 महीने से ज्यादा हम कैल्शियम नहीं यूज करते, उसके बाद हम क्रिल और लाइकोपिन बीटा ये ऐड करते हैं। इससे थायराइड के जो कोलेस्ट्रॉल है, बेसिकली थायराइड जो होता है ये भी कोलेस्ट्रॉल की ही एक फॉर्म होती है, इसको हम लाइकोपिन बीटा और क्रिल के साथ डिटॉक्स करते हैं, जिससे थायराइड जो है बिल्कुल खत्म होता है। और इसके साथ बहुत कचनार गुगल, जैसे ही हम ये शुरू करेंगे 3rd महीने में क्रिल के साथ हम लाइकोपिन बीटा ऐड करेंगे, इसी के साथ हम कचनार गुगल सिरप आता है, कचनार कषाय भी आता है, कचनार कषाय के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में मिलते हैं, उसको 20 ml 20 ml पानी के साथ दिन में तीन बार खिलाते हैं, जो आने वाले 6 महीनों में थायराइड जो बिल्कुल ठीक हो जाता है इससे सर, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मेरे पास सर अभी 50 questions आ गए हैं, बट मैं दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इफ अगर आपकी इजाजत हो। हाँ जी, यानी सर जी, और मैं थोड़े से फिल्टर करके ले रहा हूँ ताकि कॉमन क्वेश्चन ना हो। पहला क्वेश्चन है सर, मसल लॉस अगर हो रहा है डायबिटीज पेशेंट को तो क्या देना चाहिए? सर मसल, ये जॉन वेसली ने पूछा है। हाँ, जो मसल लॉस हो रहे हैं सर, वो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पेनक्रेटिक डक्ट है,
ये डीएक्टिव फॉर्म में चल रहा है। अगर टाइप टू डायबिटीज में हो तो टाइप वन में कन्वर्ट हो रही है। अगर ऑलरेडी आप टाइप वन डायबिटीज में हो तो मसल लॉस होते ही है, क्योंकि बॉडी के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम जो है वो एसिडिक होना शुरू हो जाता है आपके अंदर। इसके लिए जो सबसे पहले है ऑर्गेनिक स्पिरुलिना, ऑर्गेनिक स्पिरुलिना दिन में 3 बार, ऑर्गेनिक स्पिरुलिना दिन में 3 बार। जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज के अंदर जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बनते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी आती है, किडनी की प्रॉब्लम भी चलती है। ऑर्गेनिक स्पिरुलिना दिन में 3 बार, क्रैंडियम दिन में 2 बार, क्रिल दिन में 1 बार, ठीक है सर। और इसके साथ जो है मैं तो ऑस्टियोस्ट्रॉन भी यूज करता हूं इसके साथ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑस्टियोस्ट्रॉन तो फीमेल्स के लिए होती है, ऐसा नहीं कुछ भी होता। किसी भी तरह की इंजरीज होती है, फ्रैक्चर होता है, हम तो ऑस्टियोस्ट्रॉन यूज करते हैं और परफेक्टली बहुत जल्दी रिकवरी होती है। और जैसे हमारा प्लांट प्रोटीन आता था, ऐसा कुछ प्रोडक्ट हमें भी चाहिए जो शुगर के लिए हो। मैं तो अनंत सर से पहले लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुआ था, कुछ जो प्रोटीन है शुगर फ्री प्रोटीन भी हमें चाहिए, या कोई ऐसा प्रोटीन, हमारी बात चल रही थी कि जो वेट मैनेजमेंट के अंदर भी काम किया जाए। इसके लिए जो मसल्स लॉस हो रहे हैं, हमारा क्रिल 1 डेली, कैल्सीडीमेक्स सुबह शाम, ऑर्गेनिक स्पिरुलिना सुबह दोपहर शाम, और क्रैंडियम सुबह शाम, ये हमारे मसल लॉस के लिए सबसे अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट है। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ही मैं लास्ट बोलता हूँ 5 और आ जाते हैं क्वेश्चन। नहीं नहीं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा। लास्ट क्वेश्चन सर मैं ले लेता हूँ। ऑटो इम्यून डिजीज के लिए क्या हमें लेना चाहिए सप्लीमेंट्स? सर ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे मैंने आपको सबको बताया कि अगर आप 35+ हो तो आपको कुरकुमिन जो है 1 साल रेगुलर सुबह शाम लेनी चाहिए, उसके बाद 1 टैबलेट। अभी आने वाला जो समय आ रहा है, जो आने वाला अभी एटमोसफेयर चल रहा है जिसमें हम जिएंगे, वो सब ऑटोइम्यून डिजीज के से ही भरा हुआ। बच्चे जो है हमारे, हमने लास्ट ईयर भी, हमारे दिल्ली में बहुत सारे पेशेंट थे, कोविड बहुत बुरी तरह फैला था, तो हमने क्लस्टर और कुरकुमिन च्यूबल इतनी बांटी है बच्चों के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते हो। रेगुलर इतने कुरियर डेली निकल रहे हैं बच्चों के लिए क्लस्टर और कुरकुमिन च्यूबल टैबलेट, ये तो आप बिल्कुल खिलाओ। क्योंकि जो अभी एटमॉस्फेयर चल रहा है, कोविड अभी फरवरी के अंदर बहुत जोर से आएगा, बहुत बहुत प्रेशर से आएगा कोविड, जैसी हवा चल रही है अभी। तो बड़े बड़े जो है ऑटोइम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर हम शुरू करते हैं, शुरू किससे करेंगे, अगर तो यूरिक एसिड नहीं है, बॉडी अगर परफेक्ट है, काफी हम भाग दौड़ करते हैं, तो हम ऑर्गेनिक स्पिरुलिना और कुरकुमिन, दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट है सब प्रोडक्ट यूज कीजिए, साल में 3 महीने खाके तो देखो आप। हमारे यहाँ कितने सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें लेते हैं लीफ स्ट्रॉन्ग के बारे में, जैसे लीफ स्ट्रॉन्ग भी ऑटोइम्यून डिजीज के ऊपर काम करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा करके हर 3 महीने के गैप के अंदर हर खाके तो देखो आप प्रोडक्ट्स क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, और कंपनी भी पूरे बेनिफिट देती है। हर 3 महीने में प्रोडक्ट्स के ऊपर स्कीम्स चलती हैं, तो स्कीम किसके लिए है? वो स्कीम सिर्फ एग्जैक्टली और यूजर के लिए है, फ्री में बांटने के लिए नहीं होती। आप खा के तो देखो सर, ऑटोइम्यून सिस्टम के लिए कुरकुमिन और ऑर्गेनिक स्पिरुलिना। अगर ज्यादा वीकनेस है या ज्यादा थोड़ा एज फैक्टर है, तो उसके लिए हम लाइकोपिन बीटा भी इसके साथ ऐड करते हैं, ठीक है सर।